ओम नमः सिद्धेभ्यः 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 ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वप्रथम हम और आप सभी भाव से भगवान ऋषभदेव के स्थिर चरणों में पहुँचेंगे, मांगी तुंगी चढ़ कर के ऋषभगिरी पहुँचे। ओम ह्रीम श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीम श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीम विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीम विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीम नवग्रह शांतिकारक नव तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीम नवग्रह शांतिकारक नव तीर्थंकरेभ्यो नमः। भव्यात्माओं, हम और आप सभी संसारी प्राणी अनाज काल से ही संसार में परिभ्रमण करते हुए और न जाने कितने जन्मों में न जाने कितना पुण्य संचित किया होगा, जो हमें आज भगवान महावीर के शासन में रहने का, भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि से उपलब्ध आज जैन वांग में जैन ग्रंथ स्वाध्याय करने के लिए, सुनने के लिए मिले हैं और भगवंतों की वाणी सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं आपको ले चल रही हूँ सिद्धांत चिंतामणि टीका में, जैसा कि मैंने खुद अधिकार विभक्त किए हैं और सूत्रों को उसमें अलग अलग अंतर स्थल स्थल आदि के रूप से विभक्त किया है। उसमें दूसरा महाधिकार है सिद्धान्नत्वा गुणस्थानातीता अनंत गुणान्वितान वंदामहे त्रिसंख्यम तान अनंत गुण लब्धये। सिद्ध भगवान को मेरा नमन हो, मैं नमस्कार करती हूँ, हम सभी नमस्कार करते हैं। किस लिए? और सिद्ध भगवान पहले कैसे हैं? गुण स्थानों से अतीत, गुण स्थानों से ऊपर उठ चुके हैं, गुण स्थानों से आगे बढ़ करके जिन्होंने अपने अनंत गुणों को प्राप्त कर लिया, ऐसे अनंत अनंत सिद्ध भगवंतों को नमन करके। किस लिए? कि अनंत गुण लब्ध है, अपने अनंत गुणों की उपलब्धि के लिए, अनंत गुणों की प्राप्ति के लिए हम उन्हें त्रिसंध्यम नमामः, त्रिकाल नमस्कार करते हैं। भव्यात्माओं, संसार में सब कुछ सुलभ है। आप दौलत राम की बारह भावना बचपन में रटाई जाती थी, आज भी पढ़ाई जाती है किसी न किसी रूप में। धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथारथ ज्ञान। धन कन कनक स्वर्ण आदि वैभव, राज सुख आदि वैभव सब सुलभ है संसार में, कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अनंत अनंत काल में जीव ने अनंतों बार प्राप्त किया है, किंतु अगर दुर्लभ है तो वास्तविक ज्ञान, सच्चा ज्ञान, सम्यक ज्ञान दुर्लभ है। आज तक उसे नहीं पाया, इसीलिए जन्म मरण के दुखों को उठा रहे हैं, बार 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 जन्म मरण को धारण कर रहे हैं। अगर यथार्थ ज्ञान, सम्यक ज्ञान मिल गया होता तो आज हम और आप भी अपनी आत्मा को परमात्मा बना चुके होते। भव्यात्मा, आज मिला है तो आज के सौभाग्य की सराहना करते हुए, आज के सौभाग्य का मूल्यांकन करते हुए हम और आप सभी उस समय ज्ञान का सदुपयोग करके अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का, अपनी आत्मा को भगवान बनाने का पुरुषार्थ करें, यही इस मनुष्य जीवन में सार है। तो अब यहाँ कहते हैं, इस जैसा कि बताया था आपको कि आठ अनुयोग द्वारों से विवेचन करेंगे श्री पुष्पदंताचार्य। सत्रोपणा, द्रव्य प्रमाणानुगम, क्षेत्रानुगम, स्पर्शनानुगम, कालानुगम, अंतरानुगम, भावानुगम और अल्प बहुत्व। पहले सत्रोपणा कहेंगे तो संत परुवण दाये, संत परुपणा, सत्रोपणा में क्या कहेंगे? दुभिहो निर्देशो, दो प्रकार का निर्देश है सत्रोपणा में। ओघ है न आदेश है नुज, ओघ और आदेश सामान्य से और विशेष से। यहाँ ओघ शब्द से सैद्धांतिक भाषा में गुण स्थानों को लिया है और आदेश शब्द से मार्गणाओं को लिया है। मार्गणाओं के नाम मैंने आपको सुनाए, गई इंद्रिय सुकाय, गति इंद्रिय काय, योग वेद आदि ये मार्गणाएँ हैं और गुण स्थान है मिच्छो शासन मिच्छो आदि। अब मैं आपको गुण स्थानों की ओर ले चलूँ। सबसे पहले हमें और आपको समझना गुण स्थान क्या है।
मोह और योग से होने वाले जो आत्मा के परिणाम हैं ये गुणस्थान है और इनको इन परिणामों से सही जीव उन गुणस्थान वाला है। सबसे पहला गुणस्थान मिथ्यात्व, दूसरा है सासाधन, तीसरा है मिश्र, चौथा है अविरत सम्यक दृष्टि, पांचवा है देश विरत, छठा है विरत यानी संयत प्रमत्त संयत, सातवां है अप्रमत्त संयत, आठवां है अपूर्वकरण, नौवां है अनुवृत्तिकरण, दसवां है सूक्ष्म सांप्राय, ग्यारहवां है गुणस्थान उपशांत मोह, बारहवां क्षीण मोह, तेरहवां संयोगजनी संयोग केवली और चौदहवां गुणस्थान है अयोग केवली। 14 गुणस्थान होते हैं संसार में। अनंत अनंत प्राणी हैं वो सब इन्हीं गुणस्थानों में विभक्त हैं। अरहंत अवस्था तक समवसर में विराजमान भगवंतों तक इन गुणस्थानों में विभक्त हैं और सिद्ध भगवान गुणस्थान से अतीत गुणस्थानों से परे सिद्ध शिला पर विराजमान होकर पूर्ण परमात्मा बन गए, सिद्ध परमात्मा हो गए। अब हमें देखना है कि हम और आप किन गुणस्थानों में हैं, कौन कौन प्राणी संसार में किन किन गुणस्थानों में हैं, हम समझने का प्रयास करें। बहुत सरल भाषा में मैं आपको समझाऊंगी। हो गए नथिम इच्छा इट्ठी, संसार में पहला गुणस्थान मिथ्यात् गुणस्थान, संसार में अनंत अनंत प्राणी मिथ्यात् गुणस्थान में हैं। एक बात ध्यान में रखना, गौतम स्वामी ने कहा है पृथ्वी कायिक जलकायिक अग्निकायिक और वायुकायिक ये जीव असंख्याता संख्यात हैं और दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय आदि पंच इंद्रिय आदि सब असंख्याता संख्यात हैं, अनंत नहीं है। ध्यान रखना ये अनंत नहीं है, शास्त्रीय परिभाषा में अनंत नहीं है, केवल वनस्पति कायिक जीव ही अनंत हैं, ये ध्यान रखना। संसार में पंचेंद्रिय मनुष्य पशु देव नारकी सब असंख्यात असंख्यात, मनुष्य संख्यात ही हैं, तिरंत असंख्यात हैं, देवनारकी असंख्यात हैं, मनुष्य संख्यात हैं। पूरे ढाई द्वीप में चाहे भोग भूमि हो चाहे कर्म भूमि हो चाहे मिलेच्छ हो चाहे कुभोग भूमि हो सब मनुष्य संख्यात ही हैं, असंख्यात नहीं है। ऐसी मनुष्य योनि को प्राप्त करके हमें भगवान के शासन में सम्यक दर्शन मिला है। हम और आप मिथ्यात्व से आगे निकल चुके हैं। मिथ्यात्व क्या है? सही वस्तु को नहीं समझना, सच्चे देव सच्चे शास्त्र सच्चे गुरु को नहीं समझ पाना, उन पर श्रद्धा नहीं होना और चाहे जहाँ माथा टेकते रहना, चाहे जिसको गुरु और चाहे जिसको देव मान लेना आदि, यही मिथ्यात्व है, अनाधिकार से चला आ रहा है। शरीर को धन को सबको अपना मान लेना, ये है यही मैं हूँ, उसके नाश में मेरा नाश, ये भी मिथ्यात्व है। शरीर नष्ट होगा, आत्मा चिन्मय ज्योति स्वरूप आत्मा दूसरा शरीर ग्रहण कर लेगी, तो हमें ऐसा कार्य करना है कि अब नरक और निगोद में न जाना पड़े, हमें पुनः देव योनि मिले मनुष्य योनि मिले और हम अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकें, ऐसा कार्य करना मनुष्य पर्याय में, यही सम्यक दर्शन है। ऐसे कार्य करने के लिए भावना करना कि हे भगवान अब चतुर्गति का भ्रमण समाप्त हो, हम भी आपके समान चिन्मय ज्योति स्वरूप हमेशा हमेशा आनंद में निमग्न हो जाएं, पूर्ण आनंद को पूर्ण सुख को ऐसा सुख प्राप्त करें जिसके बाद पुनः कभी दुख ही ना हो, ऐसा ऐसी अवस्था प्राप्त करें जिसके बाद पुनः आगति न हो, आगमन ही न हो, जन्म मरण न हो, ऐसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए मनुष्य पर्याय है, ये सम्यक दर्शन है। और इससे अतिरिक्त मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व का अनुभव करते हुए ये जीव अनाधिकार से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। संशय विपरीत विनय एकांत आदि मिथ्यात्व के भेद हैं। तो मिथ्यात्व से अपनी आत्मा को अलग करना, एक मरीची ने 363 पाखंड में चलाए भगवान महावीर भगवान ऋषभदेव के पोते ने, और असंख्यातों योनियों में परिभ्रमण करते 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 एक कोड़ा कोड़ी सागर काल अनंत अनंत काल जैसा निकाल दिया। पुनः शिव की पर्याय में गुरु के प्रसाद से सम्यक दृष्टि बना, अनुवृत्ति बना, वही सिंह दसवें भूमि भगवान महावीर बन गए। यह है सम्यक्त की महिमा।
और मिथ्यात्व जैसा शत्रु संसार में कोई नहीं है. मिथ्यात्व है महाशत्रु, ध्यान रखे. तो मिथ्यात्व से छूट करके, अपनी आत्मा को छुटा करके, अपनी आत्मा को सम्यक प्राप्त करा करके, सम्यक दृष्टि बने रहें. शासन समाइट्ठि, दूसरा को निशान है साधन सम्यक दृष्टि. ये क्या है? न मिथ्यात्व में है न सम्यक्त में. अंतर मुहूर्त के लिए यानी 48 मिनट से कम के लिए उपशम सम्यक्त हुआ और उसमें कुछ समय शेष रहा. आकस्मिक अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ में से कोई एक कषाय का उदय आ गया. बहुत अव्यक्त अवस्था है, हम और आप उसे नहीं समझ सकते, केवल निगम में. और वो एकदम सम्यक से च्युत हुआ, सम्यक से गिरा और मिथ्यात्व में पहुंचा नहीं. बीच की ऐसी अवस्था, कोई वृक्ष से गिरा नीचे पहुंचा नहीं, बीच की अवस्था बहुत थोड़ी सी छोटी सी, उसका नाम है सासाधन. सम्यक से गिरा, मिथ्यात्व में पहुंचा नहीं, सासाधन. स्थूल रूप में आप समझ लें, ये बहुत सूक्ष्म अवस्था है. इसको भी हम लोग जाने कितनी बार प्राप्त किए होंगे. तीसरा गुण स्थान है सम्मा मिथ्या इट्ठी, सम्य मिथ्या दृष्टि, दोनों की मिश्र अवस्था. चाहे जिस पत्थर को भी नमस्कार कर लेना, भगवान को भी मान लेना, दोनों तरफ ये भी गुरु हैं, वो भी गुरु हैं. गांजा भाग पीने वाले भी गुरु हैं और ये भी गुरु हैं. जिन्होंने सब आरंभ परिग्रह छोड़ दिया है, करपात्र में भोजन करते हैं, सब कुछ छोड़ रखा है, ऐसा नहीं. ये मिश्र अवस्था को छोड़ करके आगे बढ़े तो क्या है? असंजक सम्मा इट्ठी. बस हमें इसी से प्रयोजन है. असंख्यातों तिरियंच आज भी सम्यक दृष्टि है, देशवृत्ति है. कुछ यहाँ है ढाई द्वीप में, कुछ आगे हैं ढाई द्वीप से परे असंख्यातों द्वीप समुद्रों में, असंख्यातों द्वीपों में भोग भूमि तिरियंत्या है, युगल युगल या तिरियंत है. उसमें न जाने कितने सम्यक दृष्टि है और कर्म भूमि में न जाने कितने तिरियंत है. इसे महामस्व वगैरह जो सम्यक दृष्टि है, अनुवृत्ति है. मनुष्य तो बहुत है सम्यक दृष्टि, आज भी सम्यक दृष्टि है, देशवृत्ति है, महावृत्ति है. बात है कि हमें देखना है सम्यक तो क्या है. सम्यक दर्शन चिन्मय ज्योति सुर भगवान आत्मा का श्रद्धान. मैं भगवान आत्मा हूँ, मेरी आत्मा भगवान है, शुद्ध निश्चय नहीं से. जैसे बीज में वृक्ष कैसा है? शक्ति रूप में. दूध में घी शक्ति रूप में है. वैसे मेरे शरीर में विराजमान आत्मा शक्ति रूप में भगवान है. ये श्रद्धान होना. और सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु के भक्त बने रहो. कभी भी जहाँ तक कहाँ जा करके, इधर उधर जा करके सिर मत झुकाओ. सच्चे देव शास्त्र गुरु को नमन करो. ये सम्यक दर्शन बहुत दुर्लभ है और जिसको मिल गया, समझ लीजिए संसार का अंत हो गया. दो चार भाव में नियम से हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे, आत्मा को भगवान बनाएंगे. ये सम्यक दर्शन आज जैन कुल में जन्म लेकर के विरासत में आपको सब कुछ मिल गया. देखिए धन क्या है, मैंने कितनी अपनी पूजाओं की पंक्तियों में संजोया है. तीन रत्न से ही मालामाल हो गया. ये तीन रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इससे मालामाल हो जाता है जीव. अनंत गुणों को, अनंत रत्न को प्राप्त कर लेता है. संसार के धन, सुख, वैभव ये सब क्षणिक है, नष्ट होने वाले हैं. इनमें हर्ष विषाद नहीं करना. आए गए चलता है, संसार है. इससे आत्मा का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, ना हित होने वाला है. जो धन आप श्रावकों ने भगवंतों के जिन प्रतिमाओं के निर्माण में, तीर्थों के जीर्णोद्धार में, गुरुओं की भक्ति में, गुरुओं के संघ के संचालन में और शास्त्र आदि ग्रंथों के निर्माण में, छपाने में आदि में लगा दिया, वो धन अपना अनंत गुणा होकर फलेगा. बाकी खाए खोया बह गया. हमेशा ध्यान रखें, विचार करके देखा जाए तो हम और आप सभी आज बहुत ही पुण्यशाली, बहुत ही भाग्यशाली हैं जो 125 करोड़ की जनता आज हमारे भारत में है. और सब में हम जैन कितने हैं? बहुत अल्प हैं. और उसमें भगवान महावीर के शासन के सच्चे श्रद्धालु, भक्ति करने वाले, देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित
अपने जीवन का अपने क्षण का अपने धन का सदुपयोग करने वाले ऐसे भव्यात्मा आज कम नहीं है। हमने भी मुंबई शहर में भी देखा, आपके दिल्ली में दस चतुर्मास में हमने देखा, अनुभव किया है, चाहे वाराणसी हो, सभी जगह भ्रमण हुए, बिहार प्रांत में, कलकत्ते जैसे शहर में देखा है हमने धर्मात्मा, भगवान की पूजा करने वाले, भगवान का अभिषेक करने वाले, दर्शन करने वाले, तीर्थों का जीर्णोद्धार विकास करने कराने वाले। आप लोगों के पुण्य से ही तो आज भगवान के सदुपयोग प्रकट हो गए, ये सब आप लोगों का ही तो पुण्य है। आप लोगों ने अपने द्रव्य का सदुपयोग किया, अपने जीवन में अपने मनुष्य पर्याय को सार्थक करने का उपक्रम किया, आज भगवान सदुपयोग प्रकट हो गए। तो भगवात्माओं, ये सम्यक दर्शन, ये सम्यक दर्शन जो है हमारे लिए और आपके लिए ऐसा अमूल्य रत्न है, अमूल्य रत्न है। इसके लिए हम जो है तीन लोग के स्वामी बन सकते हैं। ऐसा अमूल्य रत्न हमें मिला है तो हम कितने सुखी पुण्यशाली और हमेशा प्रसन्न बना रहे हैं, हमेशा प्रसन्न बना होकर के चिंतन करें कि हम जैसा सौभाग्यशाली पंचम काल में भी आज सम्यक तो भी रत्न मिल गया, सम्यक ज्ञान मिल गया और सम्यक चारित्र अनुवृत्ति है, आप अनुव्रत मिल गए, महाव्रत की भावना भाई। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि जैन शासन जहाँ शेर और गाय एक घाट पानी पीते हैं, जहाँ अहिंसा परमो धर्मा का नारा हमेशा क्षण क्षण लगाया जाता है, हमारे बालक भी अहिंसा परमो धर्मा जियो और जीने दो का नारा लगाते हैं, बालकों में संस्कार विरासत में आपके माता पिता से आपको संस्कार मिले, आपके बालकों को आपसे संस्कार मिल रहे हैं, तो ये सब क्या है? यही सम्यक दर्शन है। तो भव्यात्माओं, इस सम्यक दर्शन के प्रसाद से हम असंयत चतुर्थ गुणस्थानवर्ती, आगे पंचम छठे आदि गुणस्थानवर्ती आज मुनि हैं, तो इस प्रकार से आज पंचम काल में अपने मानुष पर्याय को, अपने जीवन को सार्थक करते हुए हमेशा प्रसन्न बना होकर भावना भाते रहे कि हे भगवान, दुखक खो कमक खो बोहि लाहो सुगे गमनम समाय मंडम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, हे भगवान आपके गुणों की संपत्ति मुझे प्राप्त हो जाए, यही भावना करते रहे। सबके लिए बहुत बहुत मंगल, आशीर्वाद।